हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड विद संगीता। आज हम गेहूं के आटे की बहुत ही खस्ता मठरी बना के तैयार करेंगे। वैसे मठरी ज़्यादातर मैदा से बनाई जाती है, पर हम यहाँ गेहूं के आटे से एकदम मार्केट जैसी खस्ता मठरी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 300 ग्राम गेहूं का आटा लिया है और इसमें डालने के लिए मैंने 75 ग्राम सूजी ली है। और अब इसमें मोयन के रूप में डालने के लिए मैंने यहाँ पर ये रिफाइंड ऑयल लिया है 75 ग्राम, नमक स्वाद अनुसार, 10-12 काली मिर्च जिनको मैंने दरदरा कूट लिया है, ये 1/3 चम्मच अजवाइन और 1/2 चम्मच जीरा लिया है मैंने। यहाँ पर जितना आप गेहूं का आटा लें उसका 1/4 सूजी लें और 1/4 ही हमें मोयन लेना है। अब इस आटे को एक बड़े बर्तन में आप डाल दीजिए और इसके बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, काली मिर्च, काली मिर्च को हमें पाउडर नहीं बनाना है, इनको दरदरा कूटना है, और ये अजवाइन और जीरा ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और सूजी उसे भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। सूजी डालने से ये बहुत अच्छी बनेंगी मठरी, एकदम खस्ता बनेंगी। और अब मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है, यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, और आप चाहें तो इसमें डालने के लिए देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, पर यहाँ पर मोयन डालना बहुत ज़रूरी है, तभी मठरी एकदम खस्ता बनेंगी। अब इसे आप अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए, मोयन को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब ये आटा इस तरह जुड़ने लगे तो आप समझ जाइए कि जो आपने मोयन डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अगर आपका आटा ऐसे नहीं जुड़ रहा है तो थोड़ा सा मोयन और डाल दीजिए। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें सख्त आटा लगाना है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ और इसका डो लगा रही हूँ। यहाँ पर पानी एकदम मत डालिए, वरना आपका जो ये आटा है वो पतला हो जाएगा और मठरी खस्ता नहीं बनेंगी। हमें यहाँ पर पूड़ी से भी थोड़ा और टाइट आटा लगाना है, आटा एकदम सख्त चाहिए हमें, यहाँ सॉफ्ट आटा नहीं चाहिए। ये आप देख सकते हैं कि मैं जो आटा लगा रही हूँ वो एकदम टाइट है, पूड़ी से भी हमें थोड़ा टाइट डो लगा कर तैयार करना है। आप देख सकते हैं कि मैंने डो एकदम टाइट लगाया है, जैसा पूरी का डो हम लगाते हैं उससे भी मैंने टाइट डो लगा के तैयार किया है। ऐसा ही डो हमें इन मठरियों के लिए तैयार करना है। और अब हम इसे कवर करके 15 मिनट के लिए रखेंगे और उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। और अब इधर 15 मिनट बाद ये डो जो हमने लगाया था वो अच्छी तरह सेट हो गया है, और अब हम इसे हाथों से थोड़ा चिकना और कर लेते हैं। अगर इस स्टेज पर आपका डो ज़्यादा सख्त हो जाए क्योंकि सूजी पानी पीती है, तो आप थोड़ा यहाँ पानी डालकर इसे ठीक कर सकते हैं, बट मैंने जो डो लगाया था वो यहाँ एकदम परफेक्ट है। और अब हम यहाँ इसकी लोई बनाएंगे। यहाँ पर जितनी बड़ी मठरी आपको बनानी है उतनी बड़ी आप लोई तोड़ सकते हैं। मैं यहाँ छोटी छोटी मठरियाँ बनाऊँगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ लोई तोड़ रही हूँ। और इस तरह सारी लोई तोड़ के हमें तैयार कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं सारी लोइयाँ मैंने तोड़ ली हैं, और अब इसमें से हमें मठरी बनानी है। तो सबसे पहले एक लोई इस तरह उठाएं और हाथों पर हल्का सा इस तरह घुमाएं। हमें एकदम गोल नहीं बनाना है इसको, क्योंकि मठरी का आकार एकदम गोल तो नहीं होता। ये देखिए मैंने इसको इस तरह हाथों से कर दिया है, और अब इसे फॉक की हेल्प से इसमें हम थोड़े थोड़े छेद कर देंगे, जिससे कि ये ऑयल में जाके फूलेगी नहीं और मठरी एकदम खस्ता बनेगी। दोनों तरफ इस तरह हमें छेद बना देने हैं। और अब हम बाकी की मठरी भी इसी तरह तैयार करेंगे। एक लोई हाथों पर उठाएं, उसे हल्का सा घुमाएं और इस तरह उसे थोड़ा सा बड़ा करके फिर फॉक से उसमें छेद बनाएं। हम यहाँ इनको बेलेंगे नहीं, बेलन से नहीं बेलना है, हाथ पे ही ऐसा करके बस घुमा के इसको मठरी को बना लेंगे और फिर फॉक से छेद कर देंगे। हमें मठरी को एकदम गोल शेप नहीं देनी है, इसको ऐसे ही दबाना है, और बस ये मठरी आपकी तैयार हो जाएगी। और बस इसी तरह सारी मठरी बना के हमें तैयार कर लेनी है। और अब हम मठरियों को तलने के लिए ऑयल गर्म कर लेते हैं। अब ये मैंने ऑयल गर्म किया है और इसको चेक करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसमें डो डाला है। ये डो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो ऑयल है वो ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं है। ये मठरी तलने के लिए एकदम परफेक्ट है। हमें मठरियों को तलने के लिए ज़्यादा तेज गर्म ऑयल नहीं चाहिए, ऑयल एकदम हल्का गर्म हो तभी आप उसमें मठरी डालें।
और इस समय गैस का फ्लेम एकदम लो रखें। हाई फ्लेम पर या मीडियम फ्लेम पर इन मठरियों को हमें नहीं तलना है। इन्हें आप लो फ्लेम पर फ्राई कीजिए तो मठरी एकदम खस्ता बनेगी। अब ये आप देख सकते हैं कि मठरी अपने आप थोड़ी देर बाद ऊपर आने लगेंगी और नीचे से जब इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब आप इनको पलटिए। उससे पहले हमें इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। और अब इस तरह सारी मठरियों को आप पलट दीजिए। और अब इन मठरियों को हमें अलट पलट कर सभी तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। मठरियों को तलते समय ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम हमें लो ही रखना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इनको तलेंगे तो इनका कलर तो चेंज हो जाएगा, ये ब्राउन हो जाएंगी, बट अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी और खाने में अच्छी नहीं लगेंगी। जब हम मठरियों को लो फ्लेम पर फ्राई करते हैं इस तरह, तो एक बार के बैच को तलने में 12 से 15 मिनट लग जाते हैं, पर मठरी एकदम खस्ता बनकर तैयार होती है। इस तरह मठरी को तलने में टाइम तो थोड़ा ज़रूर लगता है, बट इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि मठरी सभी तरफ से अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, इनका बहुत ही अच्छा कलर आया है, एकदम मार्केट जैसी मठरी बनके हमारी तैयार हुई हैं ये। और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। मठरियों को निकालते समय थोड़ी देर इनको इस तरह कढ़ाई पे रोके रखिए जिससे एक्स्ट्रा ऑयल वापस कढ़ाई में चला जाएगा और फिर आप इनको निकाल लीजिए। और अब इस तरह मैंने जो सामान लिया था उसमें 37-38 के करीब ये मठरी हमारी बनके तैयार हुई हैं। और अब आप इन्हें ठंडा होने दीजिए और जब मठरी ठंडी हो जाए तो उन्हें किसी कंटेनर में भरकर आप आराम से रख सकते हैं और 1.5 से 2 महीने तक रखकर इन्हें आराम से खा सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।